दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो के थंबनेल को देखकर इस वीडियो पर क्लिक किया है तो ज़रूर आप एक यूट्यूबर होंगे और आप भी यूट्यूब पर वीडियो बनाते होंगे। देखो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको ऐसी 3 मिस्टेक्स बताने वाला हूं जिनको आपको फॉलो करना है। अगर आप इन मिस्टेक्स को कर रहे हो तो आपको आगे से ये गलती नहीं करनी है। आखिर कौन सी वो 3 मिस्टेक्स हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको फुल प्रोसेस बताऊंगा। आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। अगर आप एक नए क्रिएटर हैं, आप भी यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से देख लेना, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। चलिए दोस्तों, वीडियो को तो आप कहीं ना कहीं तो ये गलती कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी वीडियो पर अच्छे व्यूज़ नहीं आ रहे, आपके सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे और आपकी वीडियो वायरल नहीं हो रही। तो देखो गाइज, आप लोग ये गलती अगर कर रहे हो तो आपको आगे से ये गलती नहीं करनी है। और आखिर वो कौन सी 3 मिस्टेक्स हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले आप मेरा नाम भी जान लो, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं बेस्ट टेक आकाश यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर से कर देना। इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे YouTube से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप एक नए क्रिएटर हैं तो आप ये गलती मत करना जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखो दोस्तों, जब आप एक नए क्रिएटर होते हैं तो आप YouTube पर वीडियो अपलोड करते हैं। अपलोड करने के बाद आप सारा कुछ प्रोसेस करने के बाद आप अपनी वीडियो को पब्लिश कर देते हैं। जैसे ही आप अपनी वीडियो को पब्लिश करते हैं, फिर आप दूसरी जीमेल अकाउंट से आप अपनी वीडियो को वॉच करते हैं। तो गाइज, ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि ये गलती गाइज मैं पहले भी कर रहा था। पहले मैं भी अपनी वीडियो को अपने आप वॉच करता था, लेकिन मेरे को उतना पता नहीं था YouTube के बारे में कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मुझे किस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा एंड कितना बड़ा लॉस हो सकता है, ये चीज़ भी आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप वीडियो को पूरा देखना और दोस्तों, आपको अपनी वीडियो को अपने दूसरे जीमेल अकाउंट से नहीं देखना है। तो सबसे पहले मिस्टेक हो गया। अब दोस्तों, हम लोग दूसरे मिस्टेक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर वो कौन सी दूसरी मिस्टेक है जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप एक नए यूट्यूबर हो तो आप खुद ये गलती करते होंगे। आप अपनी वीडियो को अपने फ्रेंड के पास व्हाट्सअप पर ज़रूर शेयर करते होंगे और आप सोशल मीडिया पर भी अपनी वीडियो को पोस्ट करते होंगे। तो आपको अपने वीडियो के लिंक को कहीं भी शेयर नहीं करना है। बस आप वीडियो के जो थंबनेल होता है उसे आप फेसबुक पर भी शेयर कर सकते हैं एंड इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन वीडियो के लिंक को कहीं भी शेयर नहीं करना है। दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हो, यानी कि अपनी वीडियो के लिंक को सोशल मीडिया पर शेयर करते हो, तो आपकी वीडियो पर जो व्यूज़ आएगा वो गाइज एक्सटर्नल सोर्स से आएगा। लेकिन अगर आपकी वीडियो पर एक्सटर्नल सोर्स से व्यूज़ आते हैं, फिर आपकी वीडियो रैंक नहीं कर पाएगी। तो आप लोग को ये भी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है अपने YouTube चैनल पे। तो मिस्टेक नंबर 3 में हम लोग बात कर लेते हैं, आपको दूसरे कैटेगरी की वीडियो अपने चैनल पर अपलोड नहीं करनी है। दोस्तों, ऐसा आप अगर करोगे तो आपके एक भी सब्सक्राइबर्स नहीं इंक्रीज होंगे। देखो गाइज, अगर आप एक यूट्यूबर हो और आप YouTube पर वीडियो बना रहे हो, आपका अच्छा खासा चैनल है, उस पर आप शॉर्ट्स वीडियो भी अपलोड कर रहे हो और कहीं जाते हो तो वहाँ से ब्लॉग वीडियो बना के लाते हो, वो भी आप अपने मेन चैनल पर अपलोड कर देते हो, तो ऐसा करोगे तो गाइज आपकी वीडियो पर सब्सक्राइबर्स नहीं आएंगे। दोस्तों, अगर आप ऐसा करोगे तो आपको सब्सक्राइबर्स बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले। अगर आप वीडियो ही बनाना चाहते हो तो आप शॉर्ट्स का एक अलग चैनल ओपन कर लीजिएगा। अगर आप ब्लॉग वीडियो बनाना चाहते हो तो ब्लॉग वीडियो का अलग चैनल आप ओपन कर लीजिएगा। तो आपको अपने मेन चैनल पर आप जिस भी कैटेगरी की वीडियो बनाते हो उसी से रिलेटेड आपको वीडियोज़ अपलोड करनी है, और आप जो भी अदर कैटेगरी की वीडियो बनाना चाहते हो तो उसके लिए आप उसी कैटेगरी का चैनल भी ओपन कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, मैंने आपको जो 3 मिस्टेक्स बताई हैं, आपको अगर ये 3 मिस्टेक्स पसंद आई हैं तो गाइज़ आप इसे फॉलो करना, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।